आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। रोहन कहाँ चला गया? अरे बहन, मैं कभी अपना वैक्यूम क्लीनर नहीं लेने के लिए आती, मगर आपको तो पता है मेरी नीलम बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं और ये चीजें तो घर में जरूरत पड़ती हैं। अच्छी बात है बहन, बेटी के रिश्ते की परेशानी भी बहुत होती है। बिल्कुल, वैसे मैं एक बात कहूँ, आपने ठीक नहीं किया रोहन के साथ। अभी तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई थी और आपने उस पर दुल्हन की जिम्मेदारी डाल दी। कोई अच्छी नौकरी होती, आमदन का जरिया होता, तब बात और थी। आपने तो बेरोजगार लड़के को ब्याह दिया। भाई, बड़े मसले होते हैं, आपको अंदाजा नहीं इस बात का। नानी और माँ तो रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेती हैं, मगर आजकल की लड़कियां तो पिज्जे बर्गर शोरमे मांगती हैं खाने के लिए। और मेकअप के खर्चे अलग, आपने तो रोहन को कैसा फंसा दिया। अरे बस भी करो रसिया, तुम्हें तो आदत है बाल की खाल खींचने की। हमारा बच्चा है, हम जो जी चाहे फैसला करें और जब चाहे उसकी शादी करें। अरे आपा, आप तो गुस्सा कर गई। रजिया ने जब भी कोई बात की है ना, तो अच्छी कही है, सच्ची कही है। अब अगले को बुरी लगे या अच्छी, मैं तो चली अपने घर। इसी वजह से आप लोगों को रोकता था मैं, लेकिन नहीं, मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई थी, करवा दी। अब जोया को पता चल गया तो क्या करेंगे। सुबह से मोहल्ले वालों का सामान वापस कर करके मैं शर्मिंदगी से डूबे मरा जा रहा हूँ। कोई अपना वैक्यूम क्लीनर वापस मांगने आ रहा तो कोई जूसर मशीन, और तो अरमा यार अब पेडिस्टल फैन भी ले आई उनका। अहमद की गाड़ी वापस की है मैंने, अभी 2 साल से जॉब के लिए धक्के खा रहा हूं मैं। ये सब बातें कैसे जोया से छुपाएंगे बताएं। क्या जोया, इतना बड़ा धोखा किया आप लोगों ने मुझसे। मैंने क्या बिगड़ा था आप लोगों का? और तुम रोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो जोया, मुझे मौका दो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि हमने ये सब क्यों किया। बताए नानो अम्बी। मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं सुनना मुझे कुछ, और ना ही कुछ समझना है, और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना है, समझ आई है? सोया, खड़ी ही क्यों हूं मैं? मुझे अभी और इसी वक्त ही घर छोड़ के चले जाना चाहिए। सोया देखो, तुम्हारे पीछे मेरी गलती नहीं, देखो। अबू आ जाए ना, देर हो रही है। चलिए भाई। अच्छा जनाब, इसलिए इतनी देर हो गई? हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे बेटी के यहाँ जा रहे हैं, और वो भी पहली दफा, ऐसे ही थोड़ी जाएंगे। सोया, सोया मुझे एक मौका तो दो प्लीज, एक मौका। तो नहीं सुनना रोहन कुछ, तुम कैसे दे सकते हो इतना बड़ा धोखा मुझे? आप सब कैसे कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? मैंने क्या किया था जो इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे आप सबने? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, नहीं देखी तुम्हारी शक्ल, ना तुमसे कोई रिश्ता रखना है। मुझे अपने घर वापस जाना है।
जा रही हूँ मैं। सोया सोया कहाँ है? अपने कमरे में छोड़ के आई हूँ सर। बहुत डिस्टर्ब है। आपने ठीक नहीं किया रोहान के साथ। कभी तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई थी और आपने उस पर दुल्हन की जिम्मेदारी डाल दी। कोई अच्छी नौकरी होती, आमदन का जरिया होता, तब बात और थी। आपने तो बेरोजगार लड़के को ब्याह दिया। भाई बड़े मसले होते हैं, आपको अंदाजा नहीं इस बात का। नानी और माँ तो रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेती हैं, मगर आजकल की लड़कियाँ तो पिज्जे बर्गर शोर में मांगती हैं खाने के लिए। अगर अब रोहान के बारे में बात करने आए तो मुझे नहीं सुनना कुछ। लेकिन बेटा, लेकिन क्या दादू, लेकिन क्या धोखा दिया है उसने? उसकी पूरी फैमिली ने धोखा दिया हमें। आपकी सादगी का, आपकी शराफत का, आपके प्यार का, हर चीज का फायदा उठाया उन लोगों ने। मैंने कहा था झूठ मत बोले। लेकिन बेटा हम तो... लेकिन क्या नानू, लेकिन क्या? जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पर बने ना, वो टिकते नहीं है।
और हमने झूठ बोला है, धोखा दिया है उन्हें, फायदा उठाया उन सबका। और सही कहा है जोया ने, धोखा तो दिया है हमने, इसलिए चली गई वो यहां से। बिल्कुल सही किया उसने। किसी ने मुझसे कहा था कि कभी कभी सिंपल चीजें भी ट्राई करनी चाहिए, अच्छा लगता है। जोया, जोया मुझे एक मौका तो दो प्लीज, एक मौका। मैं नहीं सुनना रुहान कुछ, तो कैसे दे सकते हो इतना बड़ा धोखा मुझे? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, ना तुमसे कोई रिश्ता रखना है। रिश्ते सुकून दिल का, रिश्ते करार हैं, इनमें ही सारे मौसम पतझड़ बहार हैं, खुशियां मिले आंसू मिलके शबीर साहब, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। यकीन कीजिए, इसमें रूहान का कोई कसूर नहीं, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। वो हमारी कमअकली और बदनसीबी है कि उस दिन हमने उस बाबा की बात मान ली। नहीं, गलती तो मेरी भी है, क्योंकि मैं ही बार बार फोर्स कर रही थी कि जोया तुम शादी कर लो। नहीं वसारत, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं था, हमें और रूहान को तो जोया बहुत अच्छी लगती है, हमसे गलती जरूर हुई है, मगर आप प्लीज हमारी नीयत पे शक मत कीजिए। गलती तो आप लोगों से हुई है इशरत बहन, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या करना है सोचना ये है। जोया उठ गई तुम? आओ बेटा, यहां हमारे पास बैठो। मामा, दादू, मैंने आप दोनों से कहा था ना कि मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती। फिर भी ये लोग यहां हैं। इनसे कह दे कि यहां से फौरन चली जाए। Thank you.
पूछोगे नहीं कि हम कहां से आ रहे हैं? हाँ बेटा, हम वो जोया की तरफ गए थे। हमने अपनी गलती का इतराफ कर लिया, उनसे माफी भी मांगी है। ठीक कह रही हैं अम्मा। और जोया, जोया ने क्या कहा? नानू, अम्मा शुक्रिया, आप लोगों ने ये बात बताकर मेरा दिल खुश कर दिया। जोया की फिक्र आप ना करें, वो मैं मना लूंगा। थैंक यू सो मच। रुखसाना, मैं तो सोच रही हूँ दरबार पर जाके मन्नत मानूंगी, अल्लाह करे मेरे बेटे का घर बस जाए। अम्मा खुदा के वास्ते बस कर दे, घर मन्नतों से नहीं मोहब्बतों से बसते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हें फोर्स कर दी, ना ये सब कुछ हुआ। मैं तुम्हारी मुजरिम नहीं। मामा प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। इसे मत बोलना, प्लीज इसे नहीं बोलना। आपने कुछ नहीं किया। रोहान बेटा, पानी सर से गुजर चुका है, सख्त गुस्से में है जोया। मैं तो इस सूरत में उसके सामने नहीं जा सकता। दादू आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मुझे अपनी जान अजीज है। अच्छा दादू, मुझे तो बताएं मैं क्या करूं। भाई ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि कैसे मनाना है। जो इंसान प्यार करता है ना, उसे मनाने का हुनर आ ही जाता है। हाँ वो ऋतिक रोशन की तरह हो या फिर वो कोई और तरीका आजमा ले। थैंक यू दादू। अरे अरे
जोए बेटा, वो चांद देख रहे हो? कितना खूबसूरत लग रहे। पर चौदहवीं के चांद की बात ही अलग होती है। चांद तो चांद होता है, जैसा भी हो। इंसान भी इसी तरह के होते हैं बेटा, अगर नीयत साफ और अच्छी हो तो हर तरह से अच्छे लगते हैं। बेटा मालो दौलत तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन इन चीजों से इंसान की वैल्यू नहीं लगाई जानी चाहिए। फर्ज करो तुम्हारी शादी किसी ऐसी जगह हो जाती जहां पर होता तो सब कुछ, लेकिन न जाने वो तुम्हारे साथ सलूक कैसा करते। दादू आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने रोहान से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी? अफसोस, आप भी मुझे समझ नहीं। तुम कभी मिलो दुख तुम्हें सुनाने, आंधा हो तो सर टेकूं, आंसू भी बहाने हैं, आओ बांट लो लम्हे जिंदगी। इंसान भी इसी तरह के होते हैं बेटा, अगर नीयत साफ और अच्छी हो तो हर तरह से अच्छे लगते हैं। बेटा मालो दौलत तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन इन चीजों से इंसान की वैल्यू नहीं लगाई जानी चाहिए। फर्ज करो तुम्हारी शादी किसी ऐसी जगह हो जाती जहां पर होता तो सब कुछ, न जाने वो तुम्हारे साथ सलूक कैसा करते। दिल को रास होते हैं जिंदगी को जीने का एहसास होते हैं। उलझे हो जैसे
इंसान भी इसी तरह के होते हैं बेटा, अगर नीयत साफ और अच्छी हो तो हर तरह से अच्छे लगते हैं। तुम जानती हो तुम्हारी कॉल का मैं कब से इंतजार कर रहा था। रोहन मेरी बात सुनो। नहीं नहीं तुम मेरी बात सुनो, तुम जानती हो मैं कितना खुश हूँ आज। हेलो रोहन, हेलो रोहन, रोहन रुहान बेटा, कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा? अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे इस वक्त फोन की क्या जरूरत है? वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम आराम करो, इसी तरह दर्द ठीक होगा तुम्हारा। जोया परेशान हो रही होगी, उसको फोन करके बता दे। फोन की क्या जरूरत है, खुद ही बात कर लो। सोया बेटा यहाँ आना। अम्मा फिर हाँ चलो। हालत बना रखी है अपनी और कमरे की भी। अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक कर देना। अभी भी नाराज हूं मुझसे। जल्दी सूप पी लो और उसके बाद मेडिसिन भी खाने। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? ये कि तुमने मेरा दिल दुखाया, मेरे घर वालों का एतमाद तोड़ा, या ये कि तुमने मुझे सच बताने के लायक भी नहीं समझा। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ देती? हाँ होती हैं लड़कियां जिनकी ख्वाहिश होती है बड़ा घर, गाड़ी, लग्जरी, मेरी भी थी। लेकिन एक लड़की को जिंदगी गुजारने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो है इज्जत, प्यार और एहसास, जो मुझे यहाँ सब में नजर आया। जोया मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा कोई ख्वाब टूटने नहीं दूंगा, बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, तभी तो तुम्हारे साथ। सच मतलब तुम मैं हमेशा साथ। कितने स्टुपिड हो तुम, तुम्हें तो रोमांस भी नहीं आता। और हाँ अब से तुम मैं फॉरएवर।
भाई गिले शिकवे खत्म हो गए हों तो हम मुखिल हो सकते हैं। हाँ वैसे भी चाय ठंडी हो रही है और मुंह भी तो मीठा करना है। तुम्हारी जॉइनिंग की कॉल आई थी, मुबारक हो, तुम्हारी नौकरी पक्की। वैसे नेश देखा इतने मुबारक कदम आए, जोया के आते ही खुशखबरी मिल गई।